नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स के पूर्व को फाउंडर सिद्धार्थ मेनन और फिटनेस स्टार्टअप ओजीए फिट के फाउंडर आशीष रावत द्वारा फाउंडेड एनएफटी 20 एक्सचेंज टेगरो ने पॉलीगॉन वेंचर्स और अन्य प्राइवेट इन्वेस्टर्स से $100 मिलियन के वैल्यूएशन पर सीड फंडिंग जुटाई है। एक प्रेस रिलीज में कंपनी ने कहा कि टेगरो एक्सचेंज इथेरियम, पॉलीगॉन और अन्य ईवीएम कंपैटिबल चेन्स में नॉन फंजिबल टोकन्स के बल्क ट्रेडिंग को सक्षम बनाता है। यूजर्स प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम $0.02 में एनएफटीज बाय, सेल और ट्रेड कर सकते हैं। टेगरो डिसेंट्रलाइज एनएफटी 20 प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, जो यूजर्स को एनएफटी के लिए डिसेंट्रलाइज मार्केट सेटअप करने और मैनेज करने में सक्षम बनाता है। ये मार्केट्स लिक्विडिटी सर्विसेज, प्राइसिंग और ऑर्डर मैचिंग प्रोवाइड करते हैं। यूजर्स को पोर्टफोलियो को ट्रैक करने और अपने एनएफटी के वैल्यू की निगरानी करने के लिए सशक्त बनाते हैं। आने वाले महीनों में टेगरो द्वारा कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ी पार्टनरशिप्स और मैसिव एयरड्रॉप कैंपेन की घोषणा करने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा, इसके अलावा टेगरो ट्रेडर्स को सभी के लिए एनएफटी ट्रेडिंग को सक्षम करने के लिए कटिंग एज टूल्स और टेक्नोलॉजीज प्रदान करने के लिए एनएफटी ट्रेडिंग स्पेस में लगातार इनोवेशंस की खोज कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 जून को नेशनल टैक्स एजेंसी द्वारा एक लॉ रिविजन के अनुसार जापान में टोकन इशुअर्स को अब अनरियलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी गेन्स पर कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जापानीज गवर्नमेंट द्वारा क्रिप्टो फर्म्स के लिए इशूड और होल्ड किए गए टोकन पर पेपर गेन्स पर टैक्सेस का भुगतान करने की आवश्यकता को खत्म करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी देने के लगभग 6 महीने बाद टैक्स एग्जेम्पशन प्रभावी हो गया है। जापान में लेजिस्लेटर्स 2023 के लिए ब्रॉडर टैक्स रिफॉर्म के हिस्से के रूप में पिछले अगस्त से नए क्रिप्टो टैक्स रूल्स पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टैक्स अथॉरिटी ने इस हफ्ते ही अंतिम मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत टोकन जारी करने वाली जापानी कंपनियों को अपनी होल्डिंग्स पर निर्धारित 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट का भुगतान करने से छूट मिल गई है। इस कानून से पहले अनरियलाइज्ड गेन्स भी टैक्सेशन के अधीन थे। रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को उम्मीद है कि ये कई कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान बना देगा, जिसमें टोकन इशू करना शामिल है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं रोशनी का रुख। शंघाई क्लियरिंग हाउस चाइना के सेंट्रल बैंक के तहत एक फाइनेंशियल सर्विसेज क्लियरिंग काउंटर पार्टी ने सोमवार को कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने के लिए डिजिटल युआन क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज शुरू की, जो चाइना के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन की दिशा में एक और कदम है। शंघाई क्लियरिंग हाउस की सोमवार की घोषणा के अनुसार सर्विसेज यूजर्स को सभी डिजिटल युआन के साथ कमोडिटीज पर क्रॉस बैंक क्लियरिंग्स और सेटलमेंट्स करने की अनुमति देती है, जो बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स, फॉरेन एक्सचेंजेस, क्रेडिट और कमोडिटीज को हैंडल करती है। रविवार यानी कल की ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्विसेज कमोडिटीज की क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स की सिक्योरिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में सुधार कर सकती है और चाइना की करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा दे सकती है। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाइनेंस और सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डोंग डेंगजीन ने कहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। नियर फाउंडेशन नियर प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम डेवलपमेंट के पीछे नॉन प्रॉफिट संस्था ने एशिया और मिडिल ईस्ट में वेब थ्री के विकास में तेजी लाने के लिए कंप्यूटिंग और स्टोरेज के लिए चाइनीज टेक जायंट आर्म अलीबाबा क्लाउड के साथ सहयोग की घोषणा की है। कंपनी ने कॉइनडेस्क के साथ बातचीत में कहा कि पार्टनरशिप नियर फाउंडेशन को नियर प्रोटोकॉल पर निर्माण करने के लिए, अधिक डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए एशिया और मिडिल ईस्ट में अलीबाबा क्लाउड के डेवलपर इकोसिस्टम तक पहुंच प्रदान करती है। जो डेवलपर्स नए नियर वैलिडेटर्स लॉन्च करना चाहते हैं, वे एक सर्विस के रूप में अलीबाबा क्लाउड के प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऐसा करने में सक्षम होंगे। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नियर फाउंडेशन और अलीबाबा क्लाउड नियर इकोसिस्टम में डेवलपर्स और यूजर्स को एक सर्विस के रूप में रिमोट प्रोसीजर कॉल्स की पेशकश करेंगे। आरपीसी एक प्रकार का कंप्यूटर सर्वर है, जो यूजर्स को ब्लॉकचेन पर डेटा रीड करने और कई नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन भेजने की अनुमति देता है। ये डेवलपर को डेटा क्वेरी API प्रदान करने के लिए मल्टी चेन इंडेक्सिंग की भी पेशकश करेगा। बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की ओर। डिजिटल एसेट के अनुसार स्विस अथॉरिटीज ने न्यूयॉर्क फेडरल प्रोसिक्यूटर्स और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रिक्वेस्ट के रिस्पांस में क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया। साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स ने भी अप्रैल में घोषणा की थी कि उन्होंने टेराफॉर्म लैब से जुड़ी क्रिमिनल प्रोसीड्स की एक महत्वपूर्ण राशि की खोज की है, जो स्विस बेस्ड बैंक में फ्लो हुई थी, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन एसेट को फ्रीज कर लिया जाए। पब्लिकेशन के समय स्विस अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने टिप्पणी के लिए फोरकास्ट के ईमेल रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं दिया था,
जो एशिया में सोमवार दोपहर को भेजा गया था। टेराफॉर्म की एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन और क्रिप्टोकरेंसी टेरा लूना मई 2022 में बैंकक्रप्ट हो गई, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन में $40 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। क्वान यूएस और साउथ कोरिया से वंचित है, जहां प्रोसिक्यूटर्स ने उस पर फ्रॉड, सिक्योरिटीज लॉ वायलेशंस और कोलैप्स से संबंधित कई अन्य आरोप लगाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।